सबसे पहली बात अजान बिल्कुल बंद है, अजान में होगी बिल्कुल भी एलजी साहब उठ रहे हैं। नहीं अजान तो खैर मस्जिद में अगर हाफिज जी रहेंगे तो अजान तो होगी, लेकिन नमाज कोई पढ़ने के लिए नहीं जा रहा है। ये भी मना कर दिया एलजी साहब ने, अजान नहीं होगी तो पता चलेगा। नहीं रोजे रमजान आ रहे हैं, अच्छा अजान ना होगी तो हम रोजे कैसे खोलेंगे जी? एलजी से लड़ो, एलजी से क्यों? एलजी ने मना किया नहीं है। कौन सा एलजी समाचार हम देखते नहीं है क्या? रोज देखते हैं समाचार। अजान के लिए कोई मना नहीं है और मस्जिद में यो ऐलान दे रखा है मोदी ने कि 5 आदमी सिर्फ मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ सकते हैं, 5 से ज्यादा नहीं। किसी भी कीमत पे अजान होगी उठा के ले जाऊंगा भाई, साहब के एलजी साहब के। आप एलजी साहब के ऑर्डर दिखा देना हमें, एलजी साहब के ऑर्डर हमारी मस्जिद में अजान की अजान भी नहीं होगी। आप एलजी साहब एलजी का ऑर्डर दिखाओ लाके, ऑर्डर दे दिया हो। फ्रेंड्स जय भारत जय संविधान। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये वीडियो कहीं और का नहीं है बल्कि देश की राजधानी दिल्ली का वीडियो है, जहां पर देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर, दिल्ली के मुख्यमंत्री समेत देश की तमाम बड़ी संस्थानें, उनके दफ्तर, खुद राष्ट्रपति मौजूद हैं। यहां पर दिल्ली पुलिस के ये दो जवान जो आपको वीडियो में नजर आ रहे हैं, ये हमारी दिल्ली पुलिस के बहादुर जवान हैं। दिल्ली पुलिस तो वैसे अपनी बहादुरी के लिए जानी जाती है और दुनिया भर में उसकी चर्चा होती है, उसकी बहादुरी के लिए, उसकी एक्सपर्टीज के लिए नए तमाम औजारों से दिल्ली पुलिस लैस होती है। लेकिन कभी कभी ये ऐसी नादानी कर जाते हैं जो अपनी रुसवाई का जरिया तो बनते ही बनते हैं, साथ ही साथ अपने बॉसेस की भी रुसवाई का जरिया बनते हैं। और कई बार, चूंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया के युग में कई बार ऐसा होता है कि सरहद के पार यानी दुनिया के अलग अलग कोनों में भी ये भारत की रुसवाई का जरिया बनते हैं और भारत की इमेज और भारत की छवि धूमिल होती है। इसलिए हमारे बहादुर जवानों को शब्दों को बोलते वक्त कम से कम परहेज करना चाहिए और सोच समझ करके बोलना चाहिए। कबीर के शब्दों में अगर कहें तो ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हुए। ये बहादुर जवान जाते हैं, कहते हैं कि साहब एलजी साहब ने अजान के लिए मना कर दिया है, आप अजान की परमिशन लेकर के आइए, जबकि ऐसा कोई एलजी साहब का ऑर्डर नहीं है। दिल्ली पुलिस ने खुद ट्वीट करके कहा है कि ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, 25/4/2020 से रमजान मुबारक का मुकद्दस महीना शुरू हो रहा है, ये दिल्ली पुलिस का ट्वीट है। हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोग लॉकडाउन को फॉलो करेंगे, सब लोग अपने घरों में रहेंगे और अजान को लेकर के एनजीटी की जो गाइडलाइन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की जो गाइडलाइन है, उसको फॉलो किया जाएगा। यानी अजान पर पाबंदी नहीं है, एक कानून है, एक सीमा तय है, उसके हिसाब से अजान होगी और हमेशा से होती रही है। लेकिन नमाज अपने घरों में पढ़ेंगे, सहरी अपने घरों में खाएंगे और साथ ही साथ पुलिस ने यह भी कहा है, ऑल मस्ट स्टैंड यूनाइटेड टू फाइट COVID-19 पेंडेमिक एंड फॉलो द गाइडलाइंस। यानी हम सब लोग मिलकर के कोरोना की महामारी का मुकाबला करेंगे और गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। इस मामले में रोहिणी DCP का कहना है कि कांस्टेबल ने LG का नाम ले दिया है, उसका मकसद समझाना था। अगर कांस्टेबल साहब का आदरणीय माननीय कांस्टेबल साहब सिर्फ समझाना चाह रहे थे तो समझाने का जो तरीका अख्तियार कर रहे हैं कि कहने की परमिशन लेकर के आइए, अजान होने नहीं देंगे, अजान नहीं होगी, इस तरह के शब्दों का कम से कम उपयोग नहीं करती, जिससे गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री ऑफिस, खुद प्रधानमंत्री, देश की छवि धूमिल होती। पूरी दुनिया में ये वीडियो आज घूम रहा है। SHO ने लोगों को समझा दिया है अजान से कोई दिक्कत नहीं है, नमाज लोग घरों में पढ़ें, बाहर ना निकलें। कांस्टेबल यही समझाना चाहता था लेकिन कंफ्यूजन में उसने LG का नाम ले दिया है। आगे कह रहे हैं कि पुलिस समझाने यही गई थी, इफ्तार और रमजान में घरों से ना निकलें। DCP रोहिणी सूत्र बता रहे हैं कि वो बाइट देने से मना कर रहे हैं। ये मामला आउटर दिल्ली रोहिणी का प्रेम नगर थाना इलाके का है, ये वहां का वीडियो है। दिल्ली के विधायक हैं ओखला से अमानतुल्लाह खान साहब, उनका ट्वीट आया है, क्या LG साहब ने दिल्ली पुलिस को यह ऑर्डर दिया है कि रमजान में दिल्ली की मस्जिदों में अजान नहीं होगी? इस मुद्दे पर मेरी दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात हुई है, वो इस मुद्दे को देख रहे हैं। मेरी LG साहब से ये दरखास्त है, विनम्र विनती है, दिल्ली को और घाव ना दें, हम सब एक साथ मिलकर रहना चाहते हैं। इसके बाद
एक और इम्पॉर्टेंट ट्वीट आया है, दिल्ली के जो डिप्टी सीएम हैं मनीष सिसोदिया साहब, वो अपने ट्वीट में लिखते हैं कि अजान के लिए कोई पाबंदी नहीं है, लॉकडाउन में मस्जिदों में नमाज के लिए इकट्ठा होने या किसी अन्य धार्मिक स्थल पर पूजा आदि के लिए लोगों को इकट्ठा होने पर पूरी तरह पाबंदी है। ये तो आज की कोई पाबंदी नहीं है, ये तो पहले दिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इस बात को स्पष्ट कर दिया था। धारा 144 लागू है, 4 से ज्यादा आदमी जमा नहीं हो सकते, और ये तो स्पष्ट है, ये बताने की क्या जरूरत है, ये तो हर आदमी जानता है। जो लॉकडाउन का विरोध कर रहा है वो कानून का विरोधी है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का विरोधी है। नहीं ये बताइए, अजान से कोई तकलीफ है क्या? अजान से कोरोना बढ़ रहा है क्या? नहीं तो अजान से एक हाफिज जी, एक ही तो हाफिज जी है इसमें एक ही तो है ना। सुन ली हमने, हम भी वो देख रहे, रोज समाचार देख रहे, समाचार रोज देख रहे। हम भी 5 आदमी मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन 5 में यहाँ एक भी नहीं पढ़ रहा। अजान नहीं करेगा कोई, अजान के लिए तो मना ही नहीं है कहीं पे भी। एलजी के ऑर्डर दिखा दो, मस्जिद में अजान नहीं होगी। एलजी का ऑर्डर दिखाओ आप, अजान नहीं होगी भाई। वाह भाई वाह, ये तो इन्होंने पुलिस वालों ने अच्छा आतंक मचा रखा है। एलजी का और उसका बहाना ले लेके बताओ, कहीं मस्जिद में नमाज अजान को मनाया है क्या? बोला आपको तो अजान से तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बोला कभी आपको? नहीं, अजान से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो हमारी बात सुनो, हमारे हो जाएंगे कल से रोजे शुरू, अजान नहीं होगी तो नमाजें कैसे पढ़ेंगे, हमें वक्त का कैसे पता चलेगा? एलजी साहब से पूछो, ठीक है? एलजी साहब के तो आप, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, वकालत की बात नहीं है। हाँ मैं बोल रहा हूँ, प्रॉब्लम हमें है ना, सामने है ना घर, सामने घर है ना सर, हमें प्रॉब्लम होगी, सबको है प्रॉब्लम, सबको है, जितने यहाँ पे रोजेदार है सबको प्रॉब्लम होगी। थाने में जाओ, ऑर्डर दे गया, मेरे साथ बहस करने की कोई नहीं। मेरी बात सुनो, देखो ठीक है ना, आप जैसे बोल रहे हो ना, बात कर रहा हूँ, आप क्या हो गया? हाँ मोबाइल नीचे कर मत लगा। हाँ हाँ कोई नहीं, पुलिस की तरफ से ऑर्डर नहीं है, एलजी साहब की तरफ से ऑर्डर है, ठीक है? ऑर्डर देखने जाओ, मैं इसको समझाने आ रहा हूँ। अजान के लिए कब से मना कर दिया? इस तरह के पुलिस वालों के अगर व्यवहार होंगे तो इससे देश की छवि दुनिया में धूमिल होगी, इससे दिल्ली की छवि धूमिल होगी, इससे दिल्ली के मुख्यमंत्री की छवि धूमिल होगी, इससे दिल्ली के डिप्टी सीएम की छवि धूमिल होगी, और इन सब से बढ़कर के हमारे राष्ट्रपति ऑफिस की छवि धूमिल होगी, प्रधानमंत्री ऑफिस की छवि धूमिल होगी, गृह मंत्रालय के ऑफिस की छवि की धूमिल होगी। इसलिए मेरी हाथ जोड़ करके विनम्र विनती है अपने पुलिस वालों से, दिल्ली के पुलिस अफसरों से कम कोई भी ऐसी चीज ना करें जिससे देश की छवि दुनिया में और धूमिल हो। अभी आपने देखा कि किस तरह से खाड़ी के देशों ने हमारे खिलाफ मुहिम चलाई है, हम मजीद अपने देश की रुसवाई बर्दाश्त नहीं कर सकते और ना करना चाहते हैं, और यकीनन ये पुलिस वाले भी नहीं चाहते होंगे, लेकिन इन्होंने क्यों ये बात कही, कम से कम इनसे सफाई लेनी चाहिए, इनकी मंशा जाननी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसा कुछ ना हो। दोस्तों अगर हमारे एपिसोड आपको पसंद आया हो तो जरूर आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करते वक्त राइट साइड में घंटी का बटन दबाना ना भूलें ताकि बिना किसी ब्रेक के सही और सटीक जानकारी वतन समाचार के माध्यम से आप तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचती रहे। जय भारत, जय संविधान।